गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो मैं पापा को पर्स देने जा रही हूँ उनका गिफ्ट, और पता है इसमें ना छेद होता है। मुझे पता नहीं था कि जेंट्स वॉलेट में छेद होता है, तो मैं कामना को कह रही हूँ, उसको शॉपकीपर को, ये तो फटा हुआ। तो कामना मुझे कह रही है जेंट्स वॉलेट ऐसे ही होता है, फटा होता है। मैंने कहा सारे पैसे गिर जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ पापा को देने, तो आप लोग भी आइए मेरे साथ। थैंक यू हो रहा है भाई, यहाँ पे तो फादर्स डे सुबह सुबह मन रहा है। थैंक यू गाइस, देखो मेरे फादर्स डे पे क्या गिफ्ट मिला है, तो भरा हुआ है। तो आ देखी जरा किस में कितना है दम, जम के रखना कदम, छोटी है मेरी किचन। वेलकम बैक टू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज है फादर्स डे, और आप सबको फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप सबके फादर को लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे, मेरी यही हार्दिक शुभकामना है आप लोगों के लिए। ये फादर्स डे के उपलक्ष में आज हमारी जो ये वीडियो है, ये बिल्कुल स्पेशल वीडियो है, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने बता ही दिया था। और आज हम माँ बेटी का कुक ऑफ चैलेंज है, तो इसको देखना आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में ही आप लोगों को पता चलेगा कि इसके विजेता कौन है। आज वीडियो में जो जज बन रहे हैं ना कॉम्पिटिशन के, वो फादर ही है श्रेया के। कि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए कंपटीशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डोसे का बैटर रेडी है, और यहाँ पर बन रहा है श्रीखंड, जिसमें देखिए दही और मैंगो को पीस के बनाया गया है, और इसके ऊपर बस ये लेयर पे लेयर, ये देखिए ओरियो बिस्किट को पीस के बनाया गया है, बस इसके ऊपर लेयर पे लेयर लग रही है, और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए ऊपर से डेकोरेशन कर रही है श्रेया, और वाव, ये देखिए ओरियो बिस्किट भी लग चुका है, और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। तो यहाँ पर मेरी भी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने ये देखिए रसमलाई बिल्कुल ही सेट कर रखी है, और रसमलाई की बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर ये देखिए ऊपर से मैं रबड़ी बना के दूध का डाल देती हूँ, बस हमारी रसमलाई बन चुकी है। ऊपर से मैंने डेकोरेशन कर दिया है थोड़ा सा केसर लगा के और बादाम लगा के। आज श्रेया सबसे ज़्यादा बिजी है, ऐसा फादर्स डे बना रही है कि इतना कर रही है पूछो मत। और यहाँ पर श्रेया की प्रिपरेशन हो रही है ब्रेड लजानिया बनाने के लिए, और मैंने बना ली नारियल की चटनी। हाँ, तो यहाँ पर ये मेरा आलू है ना, ये डोसे के लिए तैयार है बिल्कुल चटपटा सा। और यहाँ पर मैंने देखी ये वाली जो कश्मीरी मिर्च होती है, इससे कलर बहुत अच्छा सांभर का आने वाला है। लजानिया बन के रेडी है, श्रेया का सब कुछ बन चुका है, मेरी टिक्की अभी बाकी है। तो बस अभी मेरी दोनों टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं दोनों अच्छे ब्राउन हो गई हैं। देख सकते हैं कितना पतला और कितना बढ़िया डोसा मेरा बन रहा है। वाह, ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है, ये देखिए। ये तो फाइनली उधर श्रेया की टेबल लग चुकी है। ये देखिए श्रेया ने बनाई है तीन डिशेस, काजून पोटैटोस, ब्रेड लजानिया, श्रीखंड ओरियो और मैंगो श्रीखंड। मैंने बनाया है डोसा, और ये देख सकते हैं ये टोमेटो केचप है, और ये है नारियल की चटनी इतनी बढ़िया सी, और ये रहा मेरा सांभर अच्छा सा, और ये मेरे रस मलाई। आ जाइए भाई, श्रेया के पिताश्री आ रहे हैं, पधार रहे हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, और जैसा स्वागत मेरा हो रहा है फादर डे पे, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सभी लोगों को, जितने लोग फादर्स हों सबका ऐसा स्वागत होना चाहिए, और ये शो करता है कि हमारी फैमिली कितना प्यार करती है। तो ऐसे हम आशा करते हैं आप सभी लोगों का भी फैमिली आपको प्यार करे, आप अपने बच्चों से, आप अपनी पत्नी से, सभी से प्यार मोहब्बत के साथ रखें, चाहे फादर डे हो चाहे मदर डे हो, हर डे को आप इंजॉय करें। और शेयर भी फर्स्ट एपेटाइजर आप सुनो, जो दो राउंड है, मतलब दो चीज़ें हैं, एक तो आपको लुक्स के ऊपर जजमेंट देनी है, और दूसरा टेस्ट के ऊपर जजमेंट देनी है। अब तो मेरे समझ नहीं है मैं शुरू कहाँ से करूँ, दोनों डिश मेरे लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले तो देखने में दोनों बहुत अच्छी हैं, अब टेस्ट करते हैं देखते हैं खाने में कितनी अच्छी हैं, खाने में भी अच्छी होनी चाहिए। ये हेल्प के लिए, ये हो सकता है इनको ज़रूरत पड़े। लेकिन आप टेस्ट करने के बाद देखते हैं, आप टेस्ट करते हैं पहचान जाओगे कौन बना सकता है। ये डिश तो दोनों बहुत अच्छी बनी है, तो मैं किसी एक को नहीं, मैं दोनों लोगों का बराबर नहीं, आपको तीन राउंड में एक को विनर बनाना ही है। ऐसे नहीं चलेगा नहीं, मैं पार्शियलिटी नहीं कर सकता, मेरे लिए दोनों बराबर है,
चाहे मेरी पत्नी हो, मेरी पत्नी को जैसे श्रेया जी आई हैं, तो ये सारे संस्कार इनके वजह से श्रेया में गए हैं, तो मेरे लिए दोनों अच्छे हैं। ये तो गड़बड़ कर दिया भाई। श्रेया पूरा लगी हुई है अपने पापा की सेवा में। ये इसकी लजानिया है, ये इटालियन डिश, पापा की पसंद की टिक्की खा रहे हैं, क्योंकि पापा है प्योर देसी, वो टिक्की पूरी फिनिश हो गई है, इसलिए टिक्की अच्छी बनी है। पापा इतनी फैंसी चीज खाते नहीं है, पर पापा को पसंद आई, जब पापा मेरे हाथ की जब जली जली रोटियां खा सकते हैं, तो ये तो फिर भी कच्ची पक्की जली जली तो फिर भी अच्छी डिश है भाई, इतनी फैंस बनाई है। लेकिन पापा तुम्हारे ना ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं भाई, चुपचाप खाए जा रहे हैं, कुछ तो बताओ। और डोसा देखो, श्रेया कल डोसा खा के आई थी ना, तो आपको डोसा बहुत पसंद है ना, इसलिए आज मैंने डोसा ही बनाया आपका फेवरेट। जो खाना फिनिश हो जाएगा मुझे लगता है कि वही अच्छा है। आके 10 मिनट के लिए रेस्ट करने चले गए थे, क्योंकि कह रहे थे मेरा पेट बहुत भर गया है, ये थर्ड राउंड तो हमारा रह गया, इनके लिए तो हमने बनाया है भाई, हमारा तो सारा है ना इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी। काश आज मेरे पापा भी होते इनके साथ टेस्ट करने में, तब मजा आता ज्यादा है ना, तब फिर डिसीजन होता किसकी बेटी ने अच्छा बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, तब नाना जी तेरे को ही कर देते, क्योंकि तुझे ज्यादा प्यार करते हैं, मतलब सबसे फेवरेट चाइल्ड ही हो आप, तो भाई आप ही को करते। बताओ अभी, बताओ क्या, मेरा तो करा ही नहीं टेस्ट, बताओ। अच्छा बनाया, अच्छा बना रहा है, ये सुनने के लिए तो कान तरस जाते हैं। मार्क्स बराबर ही लगेंगे, अब आप लोग डिसाइड करेंगे, अब आप लोगों पे इसको छोड़ते हैं कि आप लोगों को कितना पसंद आया, तो इसलिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आप लोग अपने हिसाब से जो जिद कर करके इसमें कौन विनर है आप लोग बताइए। पापा ना हमेशा ऐसे करते हैं, चाहे कितना अच्छा खाना हो या कभी कभी ख़राब भी बन जाए, वो कभी बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा खाने की तारीफ ही करते, बुराई नहीं करते कभी। अपनी रसमलाई पे ढाबा बोलते हुए, रसमलाई मेरी फेवरेट है, जब भी मैं शादी ब्याह में जाती हूँ तो सबसे पहले मैं रसमलाई पे ही ढाबा बोलती हूँ, और लास्ट में आते हुए भी रसमलाई खा के आती हूँ। सो जाते हैं, थकावट अपनी मिटा लेते हैं, क्योंकि हमारी बेटी आज बहुत घमासान युद्ध हमारे किचन में जो हुआ है ना, बहुत थकावट लग रही है, तो अब हम सोएंगे दोनों। अब अगला युद्ध मेरे बर्थडे पे होगा। बच्चा बहुत मेहनत किया आज अपने पापा के लिए, छोटे छोटे हाथों से अपने पापा की थोड़ी सी स्पेशलिटी क्वालिटीज बताने वाली हूँ, जो कि मैं उनसे कभी सामने से बोल नहीं पाती, क्योंकि होता है ना थोड़ा पापा लोगों से बच्चों को डर भी होता है, इतना नहीं खुल पाते जितना मम्मी से खुल पाते हैं। तो और वैसे भी पता, फादर्स डे के लिए ना मेरे को गिफ्ट सोचने में बहुत टाइम लगा था, कि मम्मियों के लिए तो गिफ्ट कितना भी देख लो क्योंकि इतनी वैरायटी होती है, लेकिन पापा लोगों के लिए गिफ्ट समझ ही नहीं आता है, ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेट पर वॉलेट या फिर होता है वॉच होती है, या शर्ट पैंट ये सब भी होता है। पर मेरे पापा मतलब इतने ज़्यादा, मैं क्या बोलूँ, मुझे हमेशा सपोर्ट किया, चाहे मेरा करियर हो, मतलब कभी पीछे नहीं हटे वो मेरे करियर, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये लड़की है तो इस पर मुझे पढ़ाई पे नहीं लगाना है कभी, या तो ये शादी करके चली जाएगी, इसमें पढ़ाई पे लगा कर क्या फ़ायदा है, ऐसे मेरे पापा ने कभी भी नहीं सोचा है। उनसे जितना बन पड़ा ना, उन्होंने उससे ज़्यादा ही किया मेरी पढ़ाई के लिए भी, मेरे करियर के लिए भी। और जब मुझे कोई दिक्कत आती है ना, मैं तो घबरा जाती हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले मेरे पापा को ही बताती हूँ, मतलब मेरे पापा बिल्कुल ना मुझे ऐसा लड़कियों की तरह, जो होता है कुछ ज़्यादा लोग होते हैं प्रोटेक्टिव, कि घर से बाहर नहीं निकलना या बिना भाई के घर से नहीं जाना, ऐसे नहीं है। उन्होंने मुझे पहला खुद अकेला सोलो ट्रैवल करना सिखाया था, मेरी मम्मी ने बहुत मना किया था, लेकिन उन्होंने छुप के किया था, क्योंकि उनको लगता था कि हर किसी को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो लड़की। उन्होंने आज तक मुझे कभी लड़की नहीं समझा, जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी में लड़की समझते हैं ना, कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए या ऐसे करके, उन्होंने कभी नहीं समझा। उन्होंने हमेशा मुझे लड़के की तरह पाला है और लड़के की तरह ही मुझे ट्रीट किया है। मम्मी ये चैनल कभी नहीं खोलती है, उस पर पापा का बहुत बड़ा रोल है, पापा ने स्टार्टिंग से मम्मी को भी बहुत सपोर्ट किया है। तो आज इस फादर्स डे के उपलक्ष्य में ये स्पेशल वीडियो थी, अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हम दोनों माँ बेटी डालने वाले हैं। तो इस फादर्स डे के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ अपने पापा के बारे में, और वैसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ, बिल्कुल आप लोगों का बिना टाइम लिए हुए। मेरे पापा मेरे रोल मॉडल हैं, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी जगह की हूँ, कोई बहुत बड़े शहर या बहुत बड़ी जगह की नहीं हूँ मैं। मेरे टाइम पे मैं फर्स्ट लड़की थी जो पूरे मोहल्ले में, पूरे उस कॉलोनी में कोई भी लड़की एमए नहीं की थी, लेकिन मैंने एमए किया था, क्योंकि मेरे पापा के सपोर्ट था मेरे ऊपर, और मेरी दादी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। जैसे मैंने प्लस टू किया था तो मेरी दादी बिल्कुल मेरी शादी के पीछे पड़ गई थी,
कि नहीं और नहीं पढ़ाना है, शादी करनी लड़की की। लेकिन मेरे पापा इतना ज़्यादा मुझे प्यार करते थे, इतने ज़्यादा, क्योंकि मैं जब 12th में थी तब पापा ने नई नई बाइक खरीदी थी और मुझे बाइक चलाना सिखाया था। और जब मैं बाइक चलाती थी ना, जब मैं बाइक चला के कॉलेज जाती थी ना, औरतें, पता है मोहल्ले वाली औरतें क्या कहती थी कि इसकी शादी कहाँ करेंगे, इसको तो झांसी की रानी पापा बना रहे हैं और इसकी शादी कहाँ करेंगे। और तब मेरे पापा जब सुने तो सबको जवाब दिए मेरे पापा कि मेरी बेटी है, मुझे टेंशन इसकी होनी चाहिए ना कि आप लोगों को। तो मेरे पापा मतलब बहुत मुझे सपोर्ट किए पढ़ाई से लेके उसके बाद मेरी पढ़ाई। मेरी दादी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं आगे पढ़ूं, लेकिन मेरे पापा के सपोर्ट से मैं आगे पढ़ी। कभी भी लड़की लड़के में फ़र्क नहीं किए, क्योंकि मेरे पापा उस ज़माने के थे कि जब लोग लड़की लड़के में बहुत फ़र्क करते थे। और कुछ लोग मुझे कहते हुए दुख होता है कि आज भी करते हैं, लेकिन मेरे पापा ने बिल्कुल भी नहीं किया। उनकी कमाई थी उस हिसाब से हमें बिल्कुल राजकुमारी के जैसे रखे। हमारे लिए कभी पापा ने किसी चीज़ की कमी नहीं की। और पापा खुद पूरी ज़िंदगी अपनी वर्दी में थे, पुलिस की जो वर्दी होती है वो पहन के निकाल दिए। मेरे पापा कभी अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे, क्योंकि उनको ये लगता था कि नहीं, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करनी है, मेरा क्या है, मैं तो वर्दी में ही रात दिन रहता हूँ। जब भी बोलो कपड़े खरीद लो अपने लिए, तो हमेशा यही कहते थे कि मुझे क्या करना है कपड़ों का, मुझे तो हमेशा वर्दी में रहना है, मेरे बच्चे अच्छा पहने, अच्छा खाएं और अच्छे घर में उनकी लड़कियों की शादी हो। पापा ने हमेशा हमारा यही साथ दिया, हमें सपोर्ट किया। तो सच में मेरे ही पापा ने, जितने भी फादर हैं इस दुनिया में, शायद सब यही अपने बच्चों के लिए करते हैं जो मेरे पापा ने किया। क्योंकि किसी के पापा ये नहीं चाहते कि मेरे बच्चे परेशान हो, मेरे बच्चे को कोई दुख हो। ये पता हमें तब चलता है जब हम खुद माँ बाप बनते हैं। कई बार हम गुस्से में, बच्चे होते हैं, टीनेजर एज होती है, तो बच्चे कह देते हैं पापा ने किया ही क्या है हमारे लिए, ये तो सब पापा करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप खुद फादर बनोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि फादर के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है।